हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे नए अगले व्लॉग साइंस सिटी व्लॉग में। जो आपको पता है, हम कलकत्ता ट्रिप पे आए हैं, तो हमारा आज का व्लॉग है साइंस सिटी, जो कि काफ़ी फेमस है। तो आइए देखते हैं साइंस सिटी कैसा है, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम साइंस सिटी पहुँच चुके हैं। साइंस सिटी काफ़ी अंदर से काफ़ी अच्छा है। आई होप लड्डू भी यहाँ पे एंजॉय करेगा। देखिए दोस्तों, डायनासोर हॉल में हम पहुंच चुके हैं। वही हॉल के अंदर हम जा रहे हैं। देखिए वो भी आ रहे हैं अभी। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर साइंस सिटी के अंदर केबल कार भी है, और जो सामने आपको दिख रहा है साइंस एग्जीबिशन है, उसमें एक आपको एक मूवी राइड में देखने को मिलती है। पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो अभी हम लेट हो चुके हैं, यहाँ पे 6 बजे पहुँचे हैं। तो हम डायरेक्ट अभी साइंस एग्जीबिशन में जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा अंदर जो राइड है उसका हम लेंगे। तो आपको भी दिखाते हैं अंदर का कैसा राइड है, कैसा नहीं है। और देखिए अभी दिन ढलने को है। बिल्डिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है, पीछे देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और साइड में अच्छे अच्छे पार्क्स। और इसके अंदर एक साइंस सिटी टाइप का लिखा गया है, जो कि अलग ही अच्छा लगता है बिल्कुल। देखिए लड्डू भी आ गया अभी हमारे साथ। तो साइंस एग्जीबिशन के हम अंदर आ चुके हैं, और हमारा अभी राइड शुरू होने को है, जिसमें हमें पुरानी ज़िंदगी 3000 करोड़ जो पहले 1 साल की ज़िंदगी होती थी, उसके हमें जीवन का विकास कैसे आरंभ हुआ उसके बारे में बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं अंदर। तो अभी हम बैठे हैं ये चार्ल्स डार्विन, जिसको आप जानते ही हैं, जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक नई बुक लिखी है, तो हमें कुछ बता रहे हैं अभी। तो जैसे ही शटर अभी ये देखिए दरवाज़ा खुल चुका है, तो हमारी राइड अंदर है। अभी जा रही, बिल्कुल अंधेरा है अंदर तो अभी तो, लेकिन जैसे अभी दिखाया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसा जीवन का शुरुआत हुआ था। स्टार्टिंग में बारिश, धूल कण कैसे होते थे पूरे जी पृथ्वी पर, आप जैसे कि जान पा रहे हैं पृथ्वी पूरा गर्म था पहले, और आराम से फिर ठंडा हुआ और एक ऐसे लेवल पे पहुंचा जहाँ के जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये देखिए अंदर दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अंदर। उस टाइम बिल्कुल चारों साइड पानी पानी था, कोई जीव वगैरह स्टेप से नहीं था, जब तक कोई जीव की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, आपको सबको पता ही है। तो अभी ये बता रहे हैं कि हम 3000 करोड़ साल पहले हैं। तो ये देखिए अभी लाइटें बंद हो जाती हैं, तो हम आगे वाले सेगमेंट में एंटर कर जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, तो ये देखिए 300 मिलियंस ईयर एगो। तो स्टार्टिंग में हमारे जो पृथ्वी पे बड़े बड़े डायनासोर, जिनको हम उस टाइम डायनासोर के उसमें जो बड़े बड़े होते थे, ये देखिए काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। विराट तो डर नहीं रहा इनसे, विराट देख के खुश भी हो रहा है। तो पहले इस टाइप के जो स्टार्टिंग में पृथ्वी पे जानवर होते थे, तो इस टाइप के थे, उसको दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, जिनके पीठ पे एक पर्वत आकार का एक या पर्वत शेप का होता था, और ये काफ़ी बड़े बड़े होते थे। तो ये स्पीकर के माध्यम से भी सुनाया जा रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो, शायद कम आवाज़ इसलिए सुनाई दे रहा हो। तो आगे हम जो पहुँचे, उसके बाद सरिस्तप उनका जो आने लगे, उनकी पीठ पीठ पे मतलब कि अलग से कार्ड टाइप का होता था। तो उसके आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं, अभी तो हम डायनासोर युग में भी आएंगे, तो उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है डायनासोर, अभी लाइटें बंद हो चुकी हैं। तो आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और अलग अलग फेज दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये देखिए दोस्तों, हम डायनासोर उसमें आ चुके हैं अभी। तो ये काफ़ी अच्छा बनाया गया, और ठंडी ठंडी हवा लग रही है। देखिए हमारे ऊपर भी एक बड़ा सा डायनासोर की दिखाने की कोशिश की गई है, और काफ़ी अच्छा भी बनाया है, और एकदम बिल्कुल रियल लग रहा है कि हम उसी
युग में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा बनाया गया दोस्तों। तो साइंस सिटी में आते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे एक्साइटेड साइंस एग्जीबिशन ही है, जिसके अंदर इस टाइप की आप स्टार्टिंग में मूवी राइड लेते हैं, जिसमें आपको पूरा जो अपना जीवन का अलग अलग स्टेज है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद डायनासोर जैसे ही ख़त्म हुए, उनके बाद छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति, उन्होंने अपना फलना फूलना स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बारे में भी आगे दिखाया गया है। अभी तक तो हम डायनासोर युग में ही चल रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे ही आपको अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, हमारे पिछले हम कोलकाता ट्रिप के 2 वी लोग डाल चुके हैं, तो जाके देखिए आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। ले सकती सबसे पहले एवं पराक्रम के लिए तीन पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ से धरती पर। इसी समय पहली बार जनरेशन था डायनासोर का, उसके बारे में दिखाया गया है कि छोटे छोटे सरीसृप जो नीचे थे तो भी ये बिल्कुल पास लग रहे हैं, तो विराट डर ही नहीं रहा। देखिए तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम 300 थे, अभी 250 मिलियन चीरेगो में आ गए हैं, जहाँ पे और भी जीव जंतु और पक्षी या फिर छोटे छोटे जो उन्होंने अपना कर्मिक विकास की उसमें भागदौड़ लिया। देखिए दोस्तों साइड में अगर देख पा रहे हैं, घोड़ा भी है और हाथी भी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर आके। तो आप जब भी साइंस सिटी आएँ तो ये राइड मत छोड़ना, चाहे पूरा साइंस सिटी आपका रह जाए, इसके ये राइड में सब कुछ आपका दिखाया गया है। एक पैमाने की बात, ये देखो पुराने टाइप का जो हिप्पो टाइप से होता है, नाम तो हमें नहीं पता है, और जो जंगली हाथी जो पुराने टाइम में देखे, इतने बड़े बड़े दांत होते थे दोस्तों। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा अभी जो अभी हम देखिए दोस्तों, हमारी राइड ख़त्म हो चुकी है और दोबारा से चार्ज लेने में हमारे उसके बारे में बता रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट राइड रेडी है अंदर जाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें अंदर जाकर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जो हमारा साइंस एग्जीबिशन फर्स्ट फ्लोर पर, तो और राइड है उसके ऊपर अभी एक म्यूजियम टाइप का दिया है, जिसमें एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है, इंसान की उत्पत्ति कैसे किन फेजेस में हुई, तो ऊपर भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अभी तो हम थोड़ा लेट आए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा चहल पहल या इस टाइप का नहीं है। तो देखिए देखिए दोस्तों, देखिए बाहर का हमारा साइंस सिटी का सफर भी पूरा हो चुका है, काफ़ी अच्छा लगा अंदर हमें। अभी हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि ये कोविड के कारण 6 बजे बंद कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, हमारा साइंस सिटी का सफर भी पूरा हो चुका है। साइंस सिटी में काफ़ी अच्छा रहा, लड्डू ने काफ़ी मस्ती की, लड्डू है ना। आई होप दोस्तों आपने भी काफ़ी एंजॉय किया हुआ। देखिए अभी हम जो आए थे सनसेट उसमें आए थे, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कहीं चमक रही है, और ये जो तो बंद कर दिया है, ये जो फूलों के माध्यम से लेकर साइंस सिटी दिखाई दे रहा है, अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। तो भी काफ़ी मस्ती की और सुबह से अभी थका नहीं है बिल्कुल, कैसे चल रहा है अभी लड्डू। बाहर जा रहे हैं दोस्तों, अभी सब्जी बनाने का टाइम है। दोस्तों को काफी अच्छा लगा हुआ, बाय। मेरे दोस्तों काफी अच्छा है, देखो ये पानी से चलने वाली बोल हमारा। हाँ ले लीजिए, मैंने पहले दोस्तों हम बाहर निकल चुके हैं अभी,
और अब हम ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ये जो टेपलेस टैप दिखाई गई है यहाँ पे पाइपलेस, तो पानी इसके अंदर से अभी तो बंद कर दिया है। और आपको इसका सीक्रेट जानना है तो देखिए, इसके अंदर से ही पाइप लगा होता है जिसके अंदर पानी जाता है और वापस आ जाता है, दूसरों को लगता है पता नहीं। भाई दोस्तों, 2 दिन पूरे हो गए हमारे कलकत्ता में, तो आज हम अभी रोम पे पहुंचे हैं, सोल सिटी लेक सिटी सेंटर, जो देखने के बाद पूरा दिन आज पूरा थकान हो गया। उसके बाद बल्ले बल्ले ढाबे पे डिनर किया और कैब बुक करके अभी होटल में पहुंचे हैं। विराट भी काफी थक गया, अभी आते ही बेड पे सो जाएगा। चलिए कल मिलते हैं, ओके बाय बाय, गुड नाइट। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।